मैंने तेरे को जो बता रहे कि जे 2 घंटे तक जे टॉयलेट में बैठे रहते थे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। अब खाना खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हालात नहीं, अब बिल्कुल अच्छे हो, कोई दर्द नहीं, अब टॉयलेट आराम से जाते हो। ओ, ये बड़ा काम किया खुदावंद ने। हालेलुया। तो जिस सिस्टर का नाम गुरमीत कौर है और श्रीमान गांव के रहने वाले हैं, जे बता रहे कि जब जिस 27 नवंबर संडे की मीटिंग में आए थे, और जैसे ही हमने उस दिन भी इनकी टेस्टामनी को सुना था कि इनको बवासीर की प्रॉब्लम थी, और जिसके कारण परमेश्वर ने इनको संभाल कर भी रखा, और उस दिन भी इन्होंने इनकी टेस्टामनी दी थी। और जे बता रहे कि 27 दिन हो गए थे कि इनके ऑपरेट को, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपने लिक्विड खाना है। मुझे बता रहे हैं कि डॉक्टर ने तो कुछ समय लिक्विड खाने के लिए कहा था, पर पूरे 27 दिन हो गए थे कि जो लिक्विड खाना ही खा रहे थे, और इनका मन नहीं कर रहा था अभी लिक्विड खाना खाने को, और इनका मन था कि जो रोटी खाए। और जो बता रहे कि जैसे ही इन्होंने पहले 1-2 दिन इन्होंने बताया कि इन्होंने थोड़ी रोटी खाई, पर उसके कारण इनको कब्ज की प्रॉब्लम हो गई थी, और जिसके कारण जो बहुत ही परेशान थे। जो बता रहे कि कब्ज के कारण इनके इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा दर्द थी, और जे बता रहे कि सिर्फ थोड़े से ही खाना खाया था इन्होंने। और जैसे जिस 27 नवंबर की मीटिंग में आए थे, और जे बता रहे कि जब इनकी टेस्टामनी दी गई, और उसके बाद जब इन्होंने मीटिंग को पूरा अटेंड किया, और जब प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और जैसे ही प्रभु के दास हीलिंग कर रहे थे, और वर्ड्स आया कि आपकी जो भी हर तरह की बीमारी है, आज परमेश्वर आपको फ्री करने वाले, क्योंकि प्रभु आपकी हर एक बीमारी को क्रूस पर उठा चुके, तो उसे समय इन्होंने रिसीव किया कि परमेश्वर आज मैं जैसे ही रिसीव करती हूँ कि मैं घर जाकर खाना खाऊंगी, और जो मुझे थोड़ा सा खाने के बाद भी कब्ज की प्रॉब्लम है, मैं विश्वास करती हूँ कि आज से जी कब्ज की प्रॉब्लम भी मेरे जीवन से खत्म है। और पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। विश्वास करते हो कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाए, उसने मेरे सारे पाप, मेरे सारे दुख क्रूस पर उठा लिए हैं, उठा कर ले गया है। हर सौली का अंत हो उसके क्रूस पर, हर बीमारी का अंत हो इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, और ये बता रहे हैं कि जो बहुत ही ज्यादा परेशान थे कब्ज से, और जिस जब इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया, धन्यवाद दिया, जब बता रहे उसी दिन इन्होंने घर जाकर जब बता रहे कि इन्होंने पेट भरकर खाना खाया, जो कि जी सिर्फ आधी रोटी ही खा रहे थे, और उसके कारण भी इनको कब्ज की प्रॉब्लम थी, पर जब बता रहे कि इन्होंने जैसे खाना खाया, और उस दिन के बाद इनको कोई भी कब्ज की प्रॉब्लम नहीं रही। नहीं तो इनको जब बता रहे कि जे 2 घंटे तक जे टॉयलेट में बैठे रहते थे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पर आज जब बता रहे कि परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया है, जो पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से आजाद हो चुके। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। तू सुनो सुनो, ये कितना समय तक आपको डॉक्टर ने बोला था कि लिक्विड खाना है? नहीं, जब आप मतलब पहले कितने समय, कितने दिन के लिए उन्होंने मना किया कि रोटी नहीं खानी? 15 दिन? अभी अभी खाना ही नहीं, कुछ भी, मतलब लिक्विड पीना है, लिक्विड चीजें, हाँ, कोई भी खाने वाली चीज नहीं, सिर्फ लिक्विड ही है। तो आपका कितने दिन आपने रोटी नहीं खाई? 27 दिन रोटी नहीं खाई, और आपका मन किया कि मैं रोटी खाऊं, और आपने फिर रोटी खा ली थोड़ी सी, जिसके कारण क्या हो गया आपको? कब्ज होगी? कितनी होगी? बहुत ज्यादा, मतलब सात से एक घंटा बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ, पर प्रॉब्लम थी, दर्द हो रही, हाँ, पर टॉयलेट आ नहीं रहा था, है ना, और आप दर्द में, तकलीफ में थे। फिर आप संडे की मीटिंग में आई, कौन सी तारीख में? 27 नवंबर की मीटिंग संडे थी जी। तो आपने ये वर्ड रिसीव किया, और थोड़ा बताओ क्या क्या आपने उस दिन क्या रिसीव किया था?
और आपने फिर से जाकर विश्वास से खाना खाया, जाकर अपनी संडे के घर जाकर तीन फुलके खाए, फिर आज आपको आज कितने दिन हो गए रोटी खाते हुए? नहीं, कितने दिन हो गए? आज तो कितनी है, फिर संडे है ना, पूरा एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से आप रोटी खा रहे हो? लास्ट टाइम हो गया एक हफ्ते से। अच्छा, 15 दिन हो गए, ये 27 नवंबर की बात है, पूरे 15 दिन हो गए आप खाना खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हालात नहीं, अब बिल्कुल अच्छे हो, कोई दर्द नहीं, अब टॉयलेट आराम से जाते हो। ओ, ये बड़ा काम किया खुदावंद ने, ये छोटी बात नहीं है, आपकी तारीफ भी बड़ी होनी चाहिए। जोर से अपने हाथों को बड़े बड़े काम देखेगा, तू बड़े बड़े काम देखेगा, तू बड़े बड़े काम देखेगा, तू बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया, बोलो अपने पड़ोसी को, विश्वास कर तू बड़े काम देखेगा, बोलो विश्वास कर तू बड़े काम देखेगा। हर असंभव काम को वो संभव करता है, जो काम मनुष्यों से नहीं वो किससे हो सकता है? किससे हो सकता है? किससे हो सकता है? बोलो, जो डॉक्टर से भी नहीं होता वो कौन कर सकता है? क्योंकि डॉक्टरों का डॉक्टर जीसस है। देखो, उन्होंने बोला था लिक्विड लो, पर इतने दिन तो पहले हो गए मन किया, और आज कितने दिन हो गए? हाँ, सच में आपका परमेश्वर महान है और बड़े कामों को करने वाला है। दिल से धन्यवाद करो, तू बड़े बड़े काम देखे।